केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में देखने को मिला, जहां पर लोगों ने, या फिर यूं कहें कि इस योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया। सबसे ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान बिहार में हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। योजना के खिलाफ सबसे उग्र विरोध प्रदर्शन यही देखने को मिला। आगजनी की घटनाओं को और लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, लेकिन इन सब के बीच एक नाम आया। वो नाम था बिहार के एक कोचिंग संचालक का, जिसका नाम है गुरु रहमान। दरअसल पुलिस ऐसे कोचिंग संस्थानों और संचालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच भी शुरू कर चुकी है, जिनके यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं। इसी कड़ी में पटना के मशहूर कोचिंग टीचर गुरु रहमान के खिलाफ भी पुलिस ने दबिश दी और कई ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल दानापुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने गुरु रहमान के खिलाफ दंगा भड़काने का केस दर्ज किया है। हालांकि इन सब के बीच खान सर का भी नाम आया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है गुरु रहमान। गुरु रहमान सारण जिले का रहने वाला है, पेशे से शिक्षक है। फिलहाल पटना के गोपाल मार्केट में रहमान एम नाम के एक कोचिंग सेंटर चलाता है। कहा जाता है कि इनके कोचिंग सेंटर से पिछले 22 साल में 40 कैंडिडेट का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। रहमान खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचकर असफल होने वाले रहमान गरीब बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए जाने जाते हैं और उनसे फीस के रूप में 100 रुपए लेते हैं। यही वजह है कि इनके कोचिंग में बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक के बच्चे आकर पढ़ते हैं। रहमान की सबसे यूनिक उपलब्धि उनकी पीएचडी है। साल 1997 में ऋग्वेदकालीन आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण पर अपनी पीएचडी लिखी। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के साथ साथ रहमान पटना विश्वविद्यालय में भी पढ़ा चुके हैं। ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय गुरु रहमान को बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाज चुका है। जब आरोप गुरु रहमान पर आया कि इन्होंने ही छात्रों को भड़काया है, उसके बाद गुरु रहमान ने कहा, छात्र ट्रेन रोक सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी रोकी जा रही है। ट्रेन रोकेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं, पटरी उखाड़ेंगे नहीं। मैं इन छात्रों के साथ चलने को तैयार हूँ। इस बार की क्रांति संपूर्ण क्रांति से भी बड़ी होगी। घटना हुई अग्निपथ के विरोध में, उस घटनाक्रम में मेरा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के प्रति ही मैं डेडिकेटेड रहता हूँ। और कुछ बच्चे फर्स्ट दिन आए थे बृहस्पतिवार को, जिस दिन उन्होंने उन लोगों ने कहा कि 70-80 बच्चे जिनको मैं पहचान नहीं रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे कि हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उनसे कहा था कि रेल रोक सकते हो, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या कारण हो सकता है। रेल रोक सकते हो लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त मत होना, पटरा पटरी मत कबाड़ना। उसके बावजूद भी अब हम पर FIR हुआ है या हम इनकम टैक्स का आपको छापा पड़ा है, तो उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी भी तरह के कोई भी बैठ में अगर मेरे द्वारा कहीं भी कोई बात हिंसा संबंधित की गई हो, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। दरअसल अग्निपथ के विरोध में प्रदेश भर में हिंसा, उत्पात और आगजनी के लिए युवाओं को प्रेरित करने के आरोपी कई कोचिंग संचालक पुलिस के निशाने पर हैं। इनमें से कई टैक्स चोरी के दायरे में भी आ गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।